आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आपके कई बार प्रश्न होता है कि हमने व्रत रखे हैं, उद्यापन करें या नहीं करें। तो देखिए, इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी व्रत जब आप कर रहे हैं, संकल्प से कर रहे हैं, तो उसका उद्यापन अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे सोमवार के 16 होते हैं, शुक्रवार के 16 या 24 होते हैं, गुरुवार के 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से होते हैं, पूर्णिमा के दोस्तों 12 पूर्णिमा या 24 या 36 पूर्णिमा होती है। इस तरह से जब व्रत रखे जाते हैं, जब आप संकल्प करके करते हैं कि हम इतने व्रत करेंगे, तब आप उद्यापन अवश्य करें। लेकिन उद्यापन में कुछ बातें विशेष ध्यान देने वाली है दोस्तों। जैसे कि तिथि, तिथि वार राहु काल, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तिथि है तो चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि है ना, जो कि 14th डे अमावस से ठीक पहले और अमावस, और उसी तरह पूर्णिमा से ठीक पहले 14th डे जो होता है उस दिन। तो यह जो है, ये दोनों ही तिथियां चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह जो है महीने में, मंथ में दो बार आती है, दो दो बार आती है। तो आप इस बार का विशेष ध्यान रखें कि आप इस दिन उद्यापन न करें, इस तिथि पे उद्यापन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अमावस तिथि पे भी किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके व्रत पूर्ण हो गए हैं, चाहे किसी भी ग्रह के बारे में आपने करी है, वे पूर्ण हो गए हैं, और बीच में अगर अमावस तिथि आ रही है, तो अमावस तिथि पे आप उद्यापन ना करें। उसके बाद जो आने वाला वह दिन होगा, चाहे सोमवार है, मंगल के व्रत है, गुरु के व्रत है, बुध के व्रत है, शुक्र के व्रत है, जो भी है, उससे आगे हफ्ते में आने वाले उस दिन पर आप उद्यापन करें। अब दोस्तों, बात रही कि वार की बात रही, तो वार में भी ये कोशिश आपको करनी चाहिए कि जिस आपने ग्रह का व्रत रखा है, जैसे गुरु ग्रह का रखा है, तो आप गुरुवार वाले दिन ही उद्यापन करें। अब बच्चे रही दोस्तों कि समय का, आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी हमें जो है उद्यापन करना है, तो आचार्य जी ने कहा ठीक है कर लो। तो उसमें क्या होता है कि आचार्य जी के पास समय नहीं रहे, तो क्या होता है कि कई बार राहु काल का समय आ जाता है कि अगर आचार्य जी बहुत बिजी हैं, पंडित जी जिन्होंने जो है उद्यापन करवाना है, आपकी पूजा करवानी है उद्यापन की, तो वह बहुत बिजी है, तो वह समय जो है कोई नहीं निकल रहा है, तो राहु काल हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप व्रत कर रहे हैं, जब आप तिथि निकलवा रहे हैं, तो आप आचार्य जी से कहें कि तिथि जो है चौथी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि ना हो और अमावस तिथि ना हो, और जो है समय जो है वह राहु काल का ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जैसे कि हर दिन राहु काल का समय अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत समय के हिसाब से भी अलग अलग होता है। जैसे कि गुरुवार, गुरुवार में जो है नॉर्मली 11 से 11:30 बजे से 3 बजे के बीच में जो है राहु काल होता है, तो इस समय में आपको अवॉइड करना चाहिए, और जिस महीने में आप करवा रहे हैं उसके हिसाब से कुछ समय आगे पीछे होता है। तो आप जिस स्थान पर हैं जब आप उद्यापन कर रहे हैं, तो आप इसमें बात का विशेष ध्यान रखें, आपने इस समय में राहु काल में उद्यापन नहीं करना। अब बात देखिए दोस्तों, उद्यापन में जो है आप कोशिश करके कम से कम 7 तरह के फल अवश्य रखें, है ना, चाहे एक एक पीस ही हो, अलग अलग कलर के आप वह जो है अवश्य रखें, और एक नारियल जो श्रीफल होता है दोस्तों, वह नारियल अवश्य रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमें मिला नहीं था तो हमने नहीं रखा, नहीं, कोशिश करें आप पहले से लेके रखें, पूरी सामग्री जो है उद्यापन की आप पहले से लेके रखें। उद्यापन की तिथि भी दोस्तों एक वीडियो में मैं डिटेल पूरी बना करके आपको बताऊंगी, तो इसलिए जो है आप उसका विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से दोस्तों, ग्रहों के जो है नक्षत्रों के हिसाब से भी विशेष जो है नक्षत्र होते हैं हर ग्रह के व्रत को उद्यापन करने के लिए, ताकि उससे पूर्णता का लाभ हो सके। तो अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं, कहते हैं कि जी हमने तो उद्यापन भी कर लिया हमने, लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। और कोई इंसान कहता है कि जी मैंने तो अभी 4 ही व्रत रखे थे और मेरा तो काम हो गया, कार्य सिद्धि हो गई। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, आपको व्रत छोड़ने नहीं है। अगर आपने माना गुरुवार के 16 जो है व्रत आपने करने हैं गुरु ग्रह के, तो उसमें 4 में या 8 में ही आपका हो जाता है, 6 में ही आपके कार्य हो जाता है। जैसे कि आपने शादी के लिए किया तो आपकी सगाई हो गई, तो वह छोड़िए मत, आपको पाठ पूरे ही करने। अब एक समस्या और आती है दोस्तों, कि कोई
लड़की है वे व्रत कर रही है, चाहे सोमवार की है, शुक्रवार की है, गुरुवार की, किसी के भी हैं, और उनकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि बाई चांस अगर ससुराल पक्ष ऐसा हुआ कि जो कि जिनके घर में व्रत वगैरह नहीं रखे जाते हैं, यह वह इस पद्धति में व्रत रखने में विश्वास नहीं करते, अब वो रखने नहीं देते बहू को, कहते हमारे घर में तो कोई नहीं रखता तो हम नहीं रखने देंगे, तब वो लड़की क्या करे, ऐसी भी समस्या आती है। तो दोस्तों उसमें आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जब भी कभी अपने मायके आती हैं तो आप वहां पर उद्यापन कर लें, आप इस तरह से कुछ समय लेकर के अपने घर आए, मायके में आए, कि आप उस ग्रह का एक जो है, अगर आपने गुरुवार के रखे हैं तो एक गुरुवार का व्रत आप अपने मायके में रख ले, और उसके बाद में नेक्स्ट गुरुवार को जो है आप वहां पर ही उद्यापन कर ले, क्षमा याचना कर ले ईश्वर से, और पूरी तरह से सच्चे मन से जो है आप अच्छे से उद्यापन करें। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है उद्यापन के बारे में विशेष बातें, इनका आप ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमसे भूल चुक हो जाती है, तो कोई भी भूल चुक ना हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो विशेष आपको छूट मिल रही है उसका भी आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।